ट्वेंटी फाइव की प्राइस में ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है ऐसा मैं नहीं आप में से ही काफी सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन अपोजिट साइड में ना कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल पैसा बर्बाद स्मार्टफोन है तो इसी कन्फ्यूजन को ना आज के इस वीडियो में दूर करेंगे बिकॉज डिटेल्ड में रिव्यू करने जा रही हूँ इस फोन का आफ्टर यूसेज ऑफ ट्वेंटी डेज तो आपको समझ में आ जाएगा कि चौबीस हजार रुपए खर्च करने के बाद क्या इस फोन में आपको अच्छा मिलेगा क्या बेकार मिलेगा और कहां पर ये फ़ोन डिसेंट टाइप का परफॉर्म करेगा तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ इस फोन की डिस्प्ले डिजाइन और इसके बिल्ट वगैरह से फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल रही है पहले तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कुछ फोन्स आपको कर्व डिस्प्ले के साथ भी मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज में जैसे कि Realme 12 Pro हो गया कर्व डिस्प्ले के साथ आया था मोटो के फोन भी जो अंडर 25,000 लॉन्च होते हैं वो कर्व डिस्प्ले के साथ उनको लॉन्च कर देते हैं तो ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ है आपको पता होनी चाहिए ये बात बाकी एमोलर डिस्प्ले वन ट्वेंटी हर्स पर चलती है स्मूथ चलती है बेसल्स वगैरह स्लिम दे रखे एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है ऑप्टिक से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी अच्छे हैं यहाँ पर आउटडोर्स वगैरह में भी अच्छी खासी ब्राइट रहती है नेटफ्लिक्स में एच का सपोर्ट अभी तक नहीं आया है अभी तीन अपडेट में नहीं दिया है तो उम्मीद मत रखना कि आगे भी मिले तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलना स्पीकर्स भी देखो स्टीडियो स्पीकर्स दे रखे हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ डॉल भी टाइप वगैरह ऐसे कुछ स्पीकर्स नहीं है लेकिन जिस तरह से काम किया है प्रॉब्लम नहीं है अच्छे स्पीकर्स में ही काउंट होगा अभी आप अगर इसके डिज़ाइन वगैरह को देखोगे ना तो देखो बिल्ट की जहां तक बात की जाए होल्ड करने से भी पता लग जाएगा कि प्लास्टिक बिल्ट है स्मार्टफोन है ये मतलब जैसे रियलमी ट्वेल्व प्रो एक सुपर प्रीमियम फील देता है फोटो एच फोर्टी आया था वो भी स्लिम था लेकिन मेटल वगैरह का उसका फ्रेमिंग दे रखा था तो वो भी एक तरीके से प्रीमियम फ़ील होता था तो कुछ फ़ोन होते है बजट प्राइस में जो प्रीमियम फील करवाते हैं ये उतना प्रीमियम आपको नहीं फील करवाएगा फॉर श्योर sure. लेकिन मुझे दिखने से फोन अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार तो व्हाइट कलर में आया मिनिमल डिजाइन है यहाँ पर ग्लिफ इंटरफेस के साथ देखने को मिल रहा है अभी कुछ लोगों को हो सकता है बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो ये स्मार्टफोन लेकिन वो आपका ओपिनियन है और ये मेरा ओपिनियन है आई होप आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे लेकिन मुझे क्यों अच्छा लग रहा है मैं रीजन बता देती हूँ फोन वन और फोन टू आया था ना पूरा ग्लिफ से भरा हुआ होता था और वो कुछ ज्यादा ही हो गया था ठीक है वो मेरे को थोड़ा ज्यादा डिश तो टाइप का फील देता था लेकिन यहाँ पर मिनिमल डिजाइन रखा है तो उस हिसाब से मैं बता रही हूं कि थोड़ा यूनिक भी लगता है वाइट कलर में भी है तो मुझे तो लुक्स अच्छे लग रहे हैं स्मार्टफोन के फ्रंट में कॉर्निंग गोनि ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी दे रखी है तो हाँ डिस्प्ले डिजाइन बिल्ट ओवरऑल अच्छा है यहाँ पर एनी वेज इन सबसे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के कैमराज के बारे में देखो मेरा पर्पज ना बहुत सॉर्टेड है मैं चाहती हूँ अंडर ट्वेंटी मेरे पास जितने भी फोन रखें ना मैं सबके साथ इस फोन के कैमराज को कंपेयर कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस फोन के कैमराज एक्चुअल मैं कहां पर स्टैंड कर रहा है तो वन प्लस नॉट सी थ्री के साथ तो मैं फुल फ्लैश इस फोन को कंपेयर कर चुकी हूँ नहीं वो वीडियो देखा है देख लेना चैनल पर अपलोडेड है लेकिन आज के इस वीडियो में रेडमी नोट थर्टीन प्रो एंड रियलमी ट्वेल्व प्रो के साथ मैं इस फोन के कैमराज को कंपेयर करने जा रही हूं ताकि अगेन आपको समझ में आ पाए कि इस फोन के कैमराज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको मेरे लिए करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ताकि इतनी मेहनत जो हो रही है ना एट दी एंड वो आप लोगों तक टाइम पर पहुंचे तो तो वो जरूर से कर लेना बट देखो जितने भी फोटोज़ मैंने यहाँ पर कैप्चर किए ना एक चीज़ बहुत ही सिंपल है कि वाइड एंगल से जब भी फोटोज़ कैप्चर करोगे वो नथिंग से सबसे बेस्ट निकल के आएगी ज़्यादा बेटर फील्ड ऑफ व्यू भी मिल जाएगा ज़्यादा बेटर डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी और कलर्स भी ज़्यादा बेटर इसी ने रखे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर फिफ्टी मेगा का सेंसर देना बाकी दो में आठ आठ मेगा पिक्सल का है और कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई भी कर रहा है लेकिन लो लाइट में जब फोटोज कैप्चर करोगे तो नथिंग ही सबसे बर्बाद निकल के आता है क्योंकि ये मतलब ब्राइट फोटो नहीं कैप्चर कर पाता जिस तरह की रियलमी और रेडमी कैप्चर कर पाते है इसके अलावा रियर कैमरा से जब मैंने फोटोज कैप्चर करी ना देखो ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि रेडमी में टू हंड्रेड मेगापिक्सल का सेंसर दे रखा है बाकी दो में फिफ्टी मेगा के लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा बेटर इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है क्योंकि पोर्ट्रेट में तो जब भी फोटो कैप्चर करते हैं यार ये एक्सपोजर बैलेंस ही नहीं कर पाता है बाकी तो ने काफी अच्छे से एक्सपोजर बैलेंस किया तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी रियलमी और नथिंग में ज्यादा बेटर कॉम्पिटिशन है यहां पर क्योंकि ज्यादा बेटर कलर्स भी है डिटेल्स भी है, आपको अच्छी देखने को मिल जाती है कुछ जगह पे रियलमी की फोटो मुझे ज्यादा अच्छी लगी है कुछ जगह पे नथिंग की फोटोज मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर लगी है इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज के डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस आपको सिर्फ रियलमी में देखने को मिलेगा वो भी थर्टी टू मेगा पिक्सल का नथिंग से भी आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से टू एक्सपोर्ट्रेड फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन दे रखा है लेकिन रेडमी में वो ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है रियलमी के टू एक्सपोर्ट्रेड ज्यादा बेटर थे होने भी चाहिए थे अदरवाइज टेलीफोटो लेंस का कोई सेंस ही नहीं निकल गया था लेकिन नथिंग ने भी जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम किया है मेरे को उसमें भी दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन सेल्फी कैमरा की जब बात करेंगे तो यहाँ पर नथिंग ने थर्टी टू मेगा

पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है कि आप इसका फ्रेम अपने और कलर्स भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगे हैं बाकी दो के कंपेरिजन में जबकि अगर आप रियर से वीडियोज यहां पर बनाना पसंद करते हो तो पहली बात तो फोर के थर्टी एफ में आप शूट कर सकते हैं मैंने वीडियो बनाया आप खुद देख लो यहां पर मुझे तीनों की रियर साइड के वीडियो अच्छे लगे यहाँ पर तीनों ही बराबर टाइप का परफॉर्म करते हैं बेसिकली बात यह है लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि रियलमी वालों ने मतलब 32 टू मेगा का टेलीफोटो दे तो दिया लेकिन क्या फ़ायदा जब आप इससे बुके में वीडियो ही नहीं शूट कर सकते हो तो ऑल तो बुके में वीडियो शूट करने का ऑप्शन आपको नथिंग में भी नहीं मिलेगा लेकिन रेडमी वालों ने दिया है ठीक है बुके में वीडियो इस फोन से आप शूट कर सकते हो बट हाँ देखो ओवरऑल अगर नथिंग के कैमराज की बात यहां पर की जाए ना तो अगर आप इसको सबसे बेस्ट में नहीं कंसिडर कर रहे हो ना तो डेफिनेटली अबव एवरेज में मैं इसके कैमराज को यहां पर डेफिनेटली कंसिडर करूंगी पिछले तीन अपडेट जो आए उससे काफी कुछ इन्होंने इंप्रूव किया है और आज की डेट में मेरे अकॉर्डिंग फोन के कैमराज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं छोटी मोटी कमियाँ थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी बाकी आप बताना आपको इस फोन के कैमराज कैसे लगे अच्छा इन सबके अलावा अभी बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में देखो जब ये फोन नया नया आया था और मैंने जब वन प्लस के साथ इसको कंपेयर किया था मैंने उस वीडियो में एक बात बोली थी कि अभी तो नथिंग को मत परचेस करना क्योंकि बहुत काम होने की जरूरत है और परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा बर्बाद परफॉर्म कर रहा है लेकिन इन बीस दिनों में नथिंग ने तीन अपडेट कुछ कर रहे हैं फोन के अंदर और मैं बोलूंगी कि काफ़ी कुछ बदल गया है ठीक है पहले ऐसा होता था कि बीजीएमआई वगैरह कुछ हैवी ग्राफिक गेम अगर आपको खेलना है तो भूल जाओ प्ले ही नहीं कर सकते मतलब सोचना भी मत पाप था उस टाइम पर इस फोन में गेमिंग करना लेकिन आज के डेट में 15-20 मिनट तक आराम से बहुत ही स्मूथ गेम प्ले हो जाता है उसके बाद आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने मिलेंगे लेकिन हाँ जिस प्राइस रेंज में जैसे परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए थी गेमिंग वगैरह गे में वो अब ये परफॉर्म कर रहा है इनफैक्ट जो यू में पहले स्टटर्स देखने को मिल रहे थे या फिर जो एनिमेशन जो स्लो हो रहे थे वो भी अभी काफी ज्यादा स्मूथ हो गए और अब तो मैं बोलूंगी छोटी छोटी चीजों को भी ना मैं इस फोन में एंजॉय कर पा रही हूँ मतलब जो पावर ऑन ऑफ करते तो एक जो स्लाइड एनिमेशन बन के आता है या फिर ओवरऑल जो फोन के एनिमेशन है वो मुझे अब काफी ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं और जो ग्लिफ का सिंक इन्होंने किया हुआ है में वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है यहां पर पर प्लस ईयर के अपडेट प्रॉमिस और जिस तरह से नथिंग अपडेट्स काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है बाकी अगर बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो वहां पर मुझे लगता है कि नथिंग मतलब इतना प्रीमियम ब्रांड नहीं है कि चार्जर बॉक्स से हटाने लग जाए हाँ उनका एस्पिरेशन है प्रीमियम ब्रांड बनना लेकिन अगर बीस पच्चीस की प्राइस में फोन लॉन्च किया जा रहा है डेफिनेटली चार्जर बॉक्स के अंदर देना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम ब्रांड्स देते हैं ठीक है तो विदाउट चार्जर आता है बेसिकली अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ये बात तो फाइव थाउजेंड की बैटरी है बैटरी बैकअप जबरदस्त देखने को मिल जाता है मतलब जब मैंने वन प्लस नॉट सी के साथ इसको कंपेयर किया था ना तो मैंने बहुत एग्रेसिवली फोन को यूज़ लिया था तब भी मुझे साढ़े घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम लिया था और अभी तो मैंने हंड्रेड से चार्ज करके नॉर्मल इस फोन को यूज़ लेना शुरू किया जैसा मेरा यूजेज रहता है तो मुझे सात घंटे के अबाव का स्क्रीन ऑन टाइम इस फोन ने दिया सात घंटे के अबाव का मतलब समझ रहे हो आराम से डेढ़ दिन फ़ोन चल जाता है उस केस में तो बैटरी बैकअप मुझे अच्छा लगा यहाँ पर स्मार्टफोन का बस वही है एक कमी के चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा अभी अगर आप मुझसे अब पूछोगे क्या इस फोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं देखो नॉट सी थ्री वाले वीडियो में ना मैंने एक चीज़ बोली थी जब इसको कंपेयर किया था कि दो चार महीने रुक जाओ क्योंकि फ़ोन में काफ़ी अपडेट पुश करने की जरूरत है उसके बाद जब फोन स्टेबल हो जाएगा तब आप इसको परचेस करना लेकिन इन बीस दिनों में ना मेरे अकॉर्डिंग नथिंग ने इतना काम कर लिया है कि जहां पर ये फ़ोन उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर मैं बोल सकूं कि हाँ आप इस फोन को परचेस कर सकते इतने अच्छा लग रहा है डिस्प्ले अच्छी है परफॉर्म अच्छा कर रहा है कैमराज भी अबाव एवरेज टाइप के देखने को मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस पर जा सकते हो बाकी तो टाइम एंड अगेन हम इस फोन का रिव्यू करते रहेंगे अभी वन प्लस नॉट सी फोर भी लॉन्च हो जाएगा मतलब मैं जब वीडियो बना रही हूँ तब तक लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन हाँ अगर वो इससे बेटर प्राइस में इससे बेटर इस रिस्पेक्ट इस ऑफर करेगा तो डेफिनेटली इसके साथ कंपेयर करूंगी आपको तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन ज़्यादा बेटर है बाकी तो हम लोग मिलते हैं यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में